ये बेसिकली ट्यूनिंग फोर्क बीट्स का क्वेश्चन है। ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, मेक 4 बीट्स पर सेकंड विद वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ ए पियानो। एक स्ट्रिंग को ट्यूनिंग फोर्क के साथ साउंड जनरेट किया जाता है दोनों को, तो हमें 4 बीट्स मिलता है। अब बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गया 2 बीट्स व्हेन द टेंशन इन द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीज, मैंने टेंशन बढ़ा दिया तो बीट्स फ्रीक्वेंसी कम हो गया, होने दो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पियानो स्ट्रिंग बिफोर इंक्रीजिंग द टेंशन। पहले क्वेश्चन को समझो, बिट्स के क्वेश्चन बहुत बच्चों को परेशान करते हैं, बट मैं सच बताऊं बिट्स के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है। अगर आपको टीचर सही मिल गया, फैकल्टी सही मिल गया, तो बिट्स के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। एक ट्यूनिंग फोर्क है और एक स्ट्रिंग है, ये दोनों साइड में इसको अटैच कर देता हूँ और इसको फंडामेंटल मोड में मान लो वाइब्रेट करवा देता हूँ, और ये अपना ट्यूनिंग फोर्क है। अब इन दोनों से साउंड जनरेट हुआ तो ऑब्जर्वर को 4 बीट्स मिल रहा है। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज है, ऐसा दिया हुआ है, बराबर है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, अननोन है स्ट्रिंग की इस मोड में। अब इन दोनों को जब साउंड किया गया तो हमें 4 बीट्स मिला, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा। तो आपको पता है कि जो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है और ये F2 है, तो F2 माइनस F1 दैट इज 4 बीट्स, बराबर है। तो F2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो F1 प्लस माइनस 4 आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 512 प्लस माइनस 4, मतलब जो पियानो की स्ट्रिंग है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या तो 516 होगी या 508 होगी। ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर है कि जो पूछा जा रहा है इस स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 508 होगी या तो 516 होगी। अब ये बात हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एग्जैक्ट सही है, क्योंकि 50-50 का सिचुएशन आ गया। तो उसको सही करने के लिए देयर आर सम कंडीशंस मेंशन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिए हुए हैं और उन्हीं का मैं यूज करूंगा। देखो मैं कैसे यूज कर रहा हूं। अब अगर ये स्ट्रिंग इस टाइप से है तो आप पढ़े होंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी जनरल फ्रीक्वेंसी है वो n v अपॉन 2l के इक्वल होती है, n 2l v टेंशन म्यू अंडर रूट। फंडामेंटल मोड में n की वैल्यू 1 होती है। तो अब आपको ये बात, टेंशन क्या है, बोलो डिक्रीज हुआ है। अगर टेंशन की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी यार, डिक्रीज होगी, समझना। इफ द बीट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज टू व्हेन द टेंशन एंड द पियानो स्ट्रिंग इंक्रीज, एक्चुअली उल्टा बोल दिया भाई, तो एक्चुअली टेंशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। प्यारे बच्चों, टेंशन इंक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन बीट्स डिक्रीज हुआ, बीट्स अलग है फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अलग है इसकी। तो अब आपको टेंशन कम किए फ्रीक्वेंसी, टेंशन इंक्रीज के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया। चलो इसमें ये फ्रीक्वेंसी यही तो है पियानो की, ये इसी वायर में क्या किए हो आप, टेंशन बढ़ा दिए हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ेगी। चलो बढ़ाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो 516 से 517 हो जाएगा, 518 हो सकता है इस टाइप से डॉट डॉट डॉट, और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो 508 से 509 हो सकता है, 510 हो सकता है, ठीक है, 511 हो सकता है, इस टाइप से हो सकता है। अब जो नया, जो टेंशन के बाद, टेंशन बढ़ाने के बाद, समझना इसको, टेंशन बढ़ाने के बाद जो नई फ्रीक्वेंसी मुझे मिली है इसकी, वो कुछ ऐसा है। अब इसके साथ ये ये जही नई फ्रीक्वेंसी है, इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के साथ 2 बिट्स दिया, समझ रहे हो। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 512 था, 512 था। अब 512 के साथ देखो इसमें से कौन सा 2 बिट्स देगा, 512 और 517 कितने बिट्स हुए यार, ठीक है। तो ये जो है वो 5 बिट्स हो गया, 512 और 518 6 बिट हो गया। तो ये जो 516 है वो कभी भी 2 बिट नहीं दे सकता टेंशन बढ़ने के बाद। इसका मतलब ये हुआ, इसके साथ चेक करो, ये 508 से 509 हो गया, तो 509 और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 512 कितने बिट्स मिले यार, तो 512 ये 3 बिट्स मिल गया,
ठीक है। अब ये 510 और 512 कितने बिट्स मिले यार, 2 बिट्स मिल गया। तो यहां पर हमें पॉसिबिलिटी बनता है और मिल रहा है, 510 जब हो जाएगा तो 512 के साथ 2 बिट्स दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 508 एक्चुअल एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब डी ऑप्शन सही है। बस एक क्वेश्चन पकड़ लो, समझ जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मेरा पूरा लेक्चर देख लोगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यार, तुम्हें 100% समझ में आएगा।